हाय स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को मिलाऊंगा भव्य शर्मा से। भव्य ने सीए इंटरमीडिएट मे 24 में 18th रैंक लिए है और मार्क्स है 497। और एक चीज और बता दूं, ये भव्य मेरा ही बेटा है। कैसा लगा भव्य रिजल्ट देख के तुम्हें? अच्छा तो लगा, लेकिन थोड़ा और अच्छा कर सकता था मैं। क्या कमी फील रही तुम्हारे को कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ? वैसे प्राय तो मेरा थोड़ा ज़्यादा उसका था, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा कम पढ़ाई करा था, उसका इफेक्ट इसमें। क्या लापरवाही करी? मैंने जनवरी के समय में लास्ट के 6 मंथ जब मेरा मेन एग्जाम पढ़ने का समय था, उस समय मैंने थोड़ा कम पढ़ा था। मतलब जैसे बाहर घूमने चले जाता कभी दोस्तों के साथ, कभी किसके साथ, कभी किसके साथ, तो मेरा पहला रिवीजन इतना अच्छे से स्ट्रॉन्गली हो नहीं पाया। इसलिए फिर मैंने वो आगे अगले 2-3 रिवीजन में कवर करा, तो उसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई। अच्छा, अच्छे बताओ कि तुम्हारा जब क्लासेज स्टार्ट हो गई थी वो कब? फाउंडेशन के एग्जाम के जस्ट बाद ही स्टार्ट हो गई थी, रिजल्ट का तो वेट किया नहीं था। हाँ, तो जब क्लासेज हो रही थी उस समय स्टडी किस तरीके से कर रहे थे तुम? क्लासेज जब चल रही थी तो ऐसे चलती थी, जैसे क्लासेस मेरी मोस्टली मॉर्निंग होती थी। मॉर्निंग में मेरी 7 to 3:30 के आसपास क्लासेज होती थी, तो उसके अंदर जैसे क्लास में जो फैकल्टीज पढ़ाती थी तो वो मैं घर पे जाके वापस से करता था। जैसे मैंने एक बार अकाउंट्स, कॉस्ट, FM, ऐसे जो सब्जेक्ट थे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उनके सारे क्वेश्चन एक बार मैंने अपने हाथों से निकाले हैं, मतलब सारे खुद से सॉल्व करें, जिससे एक बार मेरे को रिमेम्बर रहे कि किस कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज आ रहा है। इससे मतलब कई बार ऐसा होता है कि अपन को लगता है कि ये तो आसान से क्वेश्चन है, मैं कर दूंगा आराम से, लेकिन उसके अंदर कोई एक पॉइंट भी ऐसा है जो मतलब नया है, तो उसको करने में प्रॉब्लम आती है। और फिर वो बच्चा एक बार चूक जाता है ना, और वो गलती से एग्जाम में आ गया, तो फिर हो ही नहीं पाता। और थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर मेनली ये है कि थ्योरी जो समझी है, टीचर ने समझाई है, उसको बुक से पढ़ो, रिलेट करो, रिमेंबर करो। और ये जो क्लासेज के बाद जो टाइम मिलता था उसमें रिवीजन पूरा हो जाता था या नहीं हो पाता था? थोड़ी बहुत मुश्किल आती थी, लेकिन हो जाता था, कवर हो जाता था। लेकिन कभी कभार जैसे बैकलॉग क्रिएट हो जाता था, लेकिन वो बैकलॉग मैं क्लियर करता था अपना पूरा। ऐसा नहीं था कि पहले बैकलॉग रख रहा हूँ, कोई सारा जो टीचर क्लास में होमवर्क दे रहा है वो मेरा कंप्लीट होता था, उस वीक के एंड में कंप्लीट होता था, संडे को कंप्लीट करता ही था। और जब क्लासेस कंप्लीट हो गई और क्लासेस से लेकर एग्जाम के बीच का जो पीरियड था उसमें रिवीजन करने का टाइम है, तो कितना टाइम तुम्हारे को मिला और उसमें क्या प्लानिंग रहती थी? मतलब हमारी क्लासेस खत्म हुई थी, उसके बाद हमारे 4 या 5 मंथ्स का पीरियड बचा था हमारे। उस समय हमारी 3 मॉक टेस्ट सीरीज हुई थी, तो मॉक टेस्ट सीरीज में मेरी फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज में पैटर्न यही रहता था, अप्रोक्सीमेटली मैं सुबह मतलब 9-10 के आसपास बैठता था, बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेता था, लंच ब्रेक जैसे, या फिर 5-5 मिनट के छोटे से रिलैक्स करने के लिए ब्रेक ले लेता था। तो मैं ऐसे पढ़ता था, मैं अप्रोक्सीमेटली 10 से लेके रात के 1-2 बजे तक पढ़ता था, अब मतलब 13 to 14 hours बोल सकते हैं अपन। अब उसके अंदर मैं शुरू में रिवीजन भी करता था खुद से, जो एक दिन पहले पढ़ा था उसका अगले दिन सुबह रिवाइज करता था मैं, और पूरे दिन में नया पढ़ता था उसको रात में रिवाइज करके सोता था। तो ऐसे यही प्रोसेस के साथ रहा, ये एंड में काम भी आया क्योंकि एक दिन का टाइम मिलता है हमें रिवीजन करने के लिए फाइनल एग्जाम में, तो वो एक दिन में अगर वो पॉसिबल नहीं होगा अगर कम रिवीजन करें, अगर ज़्यादा रिवीजन है तो अपने आप दिमाग में वो क्लिक करती है बात कि हाँ इस पेज पे ये लिखा हुआ है। कई तो ऐसे हैं कि वो पेज पढ़ने की दिक्कत ही नहीं पड़ती कि उसको स्किप करते करते चल सकते हैं लास्ट में, ऐसे याद हो जाता है। और एग्जाम का जो टाइम चल रहा था उसमें जो 1.5 डेज का टाइम मिल रहा था उसमें प्रपोज रिवाइज हो जाता था या कुछ गड़बड़ रहती थी? नहीं, सारा अच्छे से हर एक क्वेश्चन देख के जाता था मैं और हर एक पेज पढ़ के जाता था मैं। अच्छा, तो एग्जाम हॉल में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कभी कुछ? एग्जाम हॉल में देखो सीधी सी बात है, आपको खुद को देखना पड़ेगा। आप अगर दूसरों को देख रहे हो कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छा लिख रहा है, मैं तो इतना लिख ही नहीं रहा, वो लगातार लिख रहा है, आप देखोगे तो आप खुद ही डिमोटिवेट कर रहे हो खुद को। लेकिन आप जैसे खुद पढ़ोगे आराम से, अपनी स्पीड से करो, आराम से पेपर कंप्लीट होगा, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, तो उसका तो डिफरेंस आएगा ही सब में। अच्छा बताओ कि तुम्हारा ऐसा क्या अच्छे काम करे जो तुम्हारे मार्क्स को बूस्टअप किया, और क्या गलतियां करी
तुम्हारी क्या कमियां जो नहीं करनी चाहिए थी जिसके वजह से तुम्हारा मार्क्स में डाउनफॉल आया, तो पहले तो पॉजिटिविटी बताओ कि तुमने क्या अच्छा किया। पॉजिटिविटी तो एक ही है, मल्टीपल मल्टीपल रिवीजन और प्रॉपर गाइडेंस और थोड़ा इमोशनल सपोर्ट भी था तो हो गया मेरा। लेकिन बैड मैंने ये करा कि जैसे स्टार्टिंग का मैं पहले भी बताया, जैसे कि स्टार्टिंग के मैंने 6 मंथ्स जब मेरी क्लासेस चल रही थी उस समय मैं थोड़ा ढीला ही रहा था, इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं था, लेकिन स्टिल मैं बैकलॉग कवर करके चलता था, लेकिन मैं उस समय और ज़्यादा इम्प्रूव करके चल सकता था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने ये फेस करी उसके अंदर। और कई प्रॉब्लम ऐसी भी होती है जैसे क्लासेस में बच्चे बोलते कि टीचर का पढ़ाया हुआ हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, फलाना नहीं हो रहा, धमकाना नहीं हो रहा, तो ऐसे में कुछ नहीं है, एक ही चीज़ है, क्लास में फैकल्टी पढ़ा रही है आप ध्यान दो, फैकल्टी पढ़ा रही है वो आपके दिमाग में तो जा ही रहा है, कान एक कान में रख के दूसरे कान से निकालो मत, उसको दिमाग में ही रहने दो। और आपको जो चीज़ नहीं समझ आ रही है वो आप एक बार खुद बुक से गो थ्रू करो, उससे आपको डेफिनेटली समझ आएगी। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही है तो आप कभी भी किसी दोस्त से पूछ लो, या फिर फैकल्टी भी अवेलेबल रहती है अपने अपने टाइम पे, तो उनसे पूछ लो, इससे समझ आ जाता है। अच्छा बताओ तुमने मैटर क्या यूज किया पढ़ने के लिए? मैटर प्रॉपर आईसीएआई मॉड्यूल, प्रॉपर आईसीएआई मॉड्यूल। उसके बाहर तुमने कोई ये जो टेलीग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स और नोट्स वगैरह मिलते हैं इसका भी यूज किया क्या? नहीं, इसका बिल्कुल यूज नहीं करा मैंने। उसकी जगह जैसे वीएसआई का एक मॉड्यूल मिलता है, उसके अंदर पास्ट ईयर के एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड के क्वेश्चन जो होते हैं जो यूनिक होते हैं, मतलब जो एग्जाम में पूछे हुए होते हैं एमटीपी में पूछे होते हैं, उनके को थोड़े बहुत पॉइंट यूनिक यूनिक होते हैं, तो वो अलग से हाईलाइटेड है, तो वो पॉइंट्स देखे हैं मैंने। अच्छा ये बताओ कि जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो इंटर के एग्जाम दे रहे हैं सीए में आ रहे हैं, उनको क्या गाइड करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखो सीए बनना तो 3 चीज़ें ही चाहिए है, एक तो हार्डवर्क, डेडिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड। अब इन तीनों को मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। हार्डवर्क तो अपन को रेगुलर सिटिंग कंसिस्टेंटली देनी पड़ेगी 13-14 आवर की। अपन को हाँ सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जिसके अंदर है डेडिकेशन है कि मेरे को सीए बनना है वो ये जरूर करेगा। अगर आपने कहीं भी लाइटली छोड़ दिया तो वो आपको आउटकम नीचे डाउनफॉल ला सकता है, और वन ऑफ द रीजन ये मेरा थोड़ा डाउन आया इसके कारण। डेडिकेशन बोले तो डेडिकेशन अपने अंदर से आना चाहिए कि मेरे को सीए बनना है। जब तक बच्चे के अंदर से ये नहीं आता कि मुझे सीए बनना है, तो वो सीए को मतलब लाइटली लेगा बहुत, और मतलब करने में बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम फेस करेगा, तो डेडिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। और मार्केट के नहीं बनाया जा सकता सीए? हाँ ठीक है, मार्केट के बनाना वो अंदर से आना चाहिए, वो होना चाहिए। और पॉजिटिव एटीट्यूड की करूँ मैं बात, तो पॉजिटिव एटीट्यूड में अपना है कि प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। होता है कई नए लोग आते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड किसी और चीज़ में होता है, लेकिन आते हैं वो लोग क्योंकि उनकी डिजायर होती है कि मेरे को सीए करना है, उनका होता है ड्रीम होता है। तो उसके अंदर कई बार मैंने देखा है कि बच्चे फोर्सफुली आके, हम लोग मना करते हैं कि बीकॉम नहीं कराओ बच्चे को, बीकॉम एक साल ड्रॉप करा के करा दो, लेकिन फिर भी पेरेंट्स मतलब फोर्सफुली बच्चे को ज्वाइन करा देते हैं। बच्चे रखते तो है अपने पेरेंट्स के सामने कि हाँ हमें ऐसे ऐसे गाइड करा है कि जरूरी नहीं है, बीकॉम एक साल ड्रॉप करके भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स कई बार ये होता है कि फोर्सफुली बच्चे को ज्वाइन करा देते, तो ये थोड़ा ये चीज़ पेरेंट्स को भी समझनी पड़ेगी कि सीए का कोर्स लाइकली तो बिल्कुल है नहीं। और अप्रोक्सीमेटली अपने देखा जाए तो 75th ईयर अभी सेलिब्रेट करा था अपन ने सीए डे का, तो उसके अंदर बस 4 लाख सीए हैं इंडिया के अंदर, तो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। तो सीए मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बन जाता है, सीए के लिए अपन को प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है। कोई लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क, नहीं, स्मार्ट वर्क काम करेगा लेकिन उसके साथ हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सीए टाइम मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, पेशेंस मांगता है, और ये तीनों क्वालिटी होना हर इंसान के अंदर जरूरी है, चाहे उसको जॉब करनी है, बिजनेस करना है या प्रैक्टिस करना है, हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अच्छा एक चीज़ दूसरा बताओ कि क्या तो करना चाहिए तो बता दिया, क्या नहीं करना चाहिए जो सीए करे उन बच्चों को? सीए सबसे पहली चीज़ मैं यही बोलूँगा, बीकॉम नहीं करनी चाहिए, और थोड़ा बहुत मतलब फैमिली को भी समझना चाहिए कि बच्चे को मतलब ऐसे कोई शादी हो रही है, फैमिली फंक्शन हो रहा है, तो उसके अंदर मतलब ले जाए, लेकिन उसके अंदर ऐसे लेके जाए कि बच्चे का ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो, मतलब
जैसे महीने में 2-3 बार चले गए पेरेंट्स के साथ बच्चे 2-3 घंटे के लिए, तो इतना तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी चाहिए होता है अपन को, तो ऐसे सही है। लेकिन अगर रेगुलरली लेके जा रहे हैं, रेगुलरली बच्चे की पढ़ाई में डिस्टरबेंस कर रहे हैं या फिर बाहर ऐसे बोल रहे हैं ये काम करिया वो काम करिया, तो उसके अंदर थोड़ा समझना पड़ेगा। और ये चीज ये भी है कि खुद को माइंड स्ट्रांग करके रखना पड़ेगा बीच बीच में, और हेल्प मांगनी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने हेल्प नहीं मांगनी सीखी तो आप अंदर ही अंदर स्ट्रेस होते जाओगे और दूसरे आपको इनफेक्ट और ज्यादा स्ट्रेस करेंगे कि कोई चीज ऐसी होगी कि आपको समझ नहीं आ रही, सामने वाले को समझ आ रही है, और आप सामने वाले से पूछोगे तो वो आपको बोलेगा कि अरे यार ये तो बहुत ईजी है, देखो ये चीज समझ नहीं आ रही, इतनी छोटी सी चीज समझ नहीं आ रही। तो ये समझना पड़ेगा अपन को कि सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है। अगर सपोज करो मेरी ऑडिट थोड़ी वीक है, मैं मानता हूँ मेरी ऑडिट वीक है, किसी की स्ट्रांग है तो वो तो मेरे को आके बोलेगा कि भाई इतना आसान सब्जेक्ट है तू नहीं करेगा। अब मेरी दूसरे सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, मेरे FM अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है, तो मैं सामने वाले को वैसे तो बोलता नहीं हूँ जनरली, मैं समझता हूँ ये बात, लेकिन स्टिल डिमोटिवेट हो जाता है सामने वाला कि ये हमें समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि सबकी यूनिक क्वालिटीज होती है, तो यूनिकनेस अपन को भले ही पता ना हो लेकिन फिर भी ये चीज अपन को एक्सेप्ट करके रखनी पड़ेगी खुद के अंदर कि हम में है, क्वालिटी है। मतलब CA बनने के लिए कुछ पॉजिटिव करने पड़ेंगे और कुछ परहेज करने पड़ेंगे जब जाके ये CA होगी। अब वो तो हर चीज में है, कोई सा भी कोर्स उठा लो, हर में उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। अब वो अपन को बैलेंस करना है कि अपन के लिए प्रोस ज्यादा है या कौन ज्यादा है, तो वो तो खुद डिसाइड होता है। वो आप तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो बस ये है कि अब रिजल्ट तो आ ही गया, अब आर्टिकल शिप क्लासे सेल पेस मॉड्यूल, और उसके बाद अपने रैंक के लिए वापस से तैयारी करनी है। थैंक यू भाई।